तमस में ताजा हवा सी वो प्रेम की अनगढ़ छवि रब की दुआ सी वो गा रही है मुश्किलें खुद उसकी करने चली सुरभि आ जा बेटा आ जा। जीता पुत्र जीत रहा बेटा खुश रहो पुत्र खुश खुश आटी की थाली ले आइए सुदीप बेटा दिव्या पुत्र तुम लोग अंदर आ जाओ ये रस्म इन लोगों से करवाएंगे दिव्या पुत्र जी कलश और पान के पत्ते लिया बेटा ठीक है यहाँ पर हाँ मम्मी जी पुत्र अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को घर के अंदर की तरफ गिराकर गृह प्रवेश कर हाँ
लहसुन वाला थाल ले आइए। हाँ मैं अभी लाती हूँ। हाँ दिव्या पुत्र, पान के पत्ते बिछा। जी मम्मी जी। या हाँ ऐसे। अब पुत्र तुम दोनों इन पान के पत्तों पर पैर रखकर घर के अंदर आ जाओ। सुरभि के लिए। सुरभि पुत्र, अब तू अपने दोनों पैर इस थाल पर रख और गृह प्रवेश कर। कैसे रखेगी मम्मी जी? इसका दाहिना पांव नकली जो है। दिव्या पुत्र, क्या बकवास कर रही हो? मैं एकदम सच कह रही हूँ मम्मी जी, आप लोगों को नहीं पता। मुझे लगा कि आप सबको सब कुछ पता है। सुरभि, तुम अपाहिज हो? तुम्हारा दाहिना पांव नकली है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, बताओ। सुरभि, मम्मी जी। ओए तू चुप कर। हम लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा सच छिपाया। रणदीप, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? हमारे विश्वास का गला घोटा है तूने। शर्म तो ये कब की बेच खाया है? एक अपाहिज लड़की को इस घर की नूह बनाने से पहले इस घर के मान सम्मान इज्जत का तूने कुछ नहीं सोचा? मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, मैं इस लड़की को इस घर की नूह बनाने से इनकार करता हूं। हाय रब्बा, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरा अपना पुत्र मुझसे इतना बड़ा विश्वासघात करेगा? रणदीप, तूने हमें क्यों नहीं बताया कि ये अपाहिज है? अरे मम्मी, मैं बताने ही वाला था। चुप कर खोते, तूने तो हमें जीते जी मार दिया। इस लड़की के लिए तूने पूरे घर में झगड़ा किया, मरने मारने पे उतर आया और यहां तक कि अपनी जान देने को तैयार हो गया। बस करिए आप लोग। और सुरभि, अब इस घर की नूह है।
और आज के बाद कोई भी उसे अपाहिज नहीं बोलेगा, और अगर किसी ने बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिव्या, दिव्या जी, जी सुरभि को पूरे आदर के साथ उसके कमरे में लेके जा। रणदीप ने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, धोखा मैंने दिया है। रणदीप ने तो मुझे सच कब का बता दिया था, लेकिन मैंने आप लोगों से छिपाए रखा। क्योंकि आप लोगों को अपने बेटे से ज्यादा अपना अभिमान और सामाजिक इज्जत से ज्यादा प्यार है। अगर मैं सुरभि का सच आपको बता देता तो आप लोग उसे कभी नहीं अपना, और मेरा भाई उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। आप लोगों को अपने रुतबे से प्यार है, लेकिन मुझे अपने भाई से, उसकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। और रही बात सुरभि की, तो आप उसकी शारीरिक नहीं मन की सुंदरता देखिए, वो लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। उसकी जितनी तारीफ करूं मैं कम है, और आपको कुछ दिन में इसका एहसास हो जाएगा। तुझे हमसे सच नहीं छुपाना चाहिए था। डैडी आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने आपसे सच क्यों नहीं कहा। रणदीप, सुरभि अकेली है, उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम जाओ। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, सुरभि अब इस घर की नूह है, उसे खुले मन से अपना लीजिए। रणदीप की खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है, और आज के बाद सुरभि को अपाहिज कभी मत कहिएगा। पुत्र, तेरे दाहिने पैर में कुछ दिक्कत है क्या? तुम अपना दाहिना पैर ठीक से रख नहीं रही हो। कैसे रखेगी मम्मी जी, इसका दाहिना पांव नकली जो है। सुरभि, तुम अपाहिज हो, तुम्हारा दाहिना पांव नकली है। एक अपाहिज लड़की को इस घर की नूह बनाने से पहले इस घर के मान सम्मान इज्जत का तुमने कुछ नहीं सोचा। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, मैं इस लड़की को इस घर की नूह बनाने से इनकार करता हूँ। पर तूने तो हमें जीते जी मार दिया। इस लड़की के लिए तूने पूरे घर में झगड़ा किया, मतलब मारने में उतर आया, और यहाँ तक कि अपनी जान देने को तैयार हो गया। बस करिए आप लोग। और सुरभि अब इस घर की नूह है। सुरभि चुप हो जाओ, हाँ मत रो। अब देखो, तुम लोगों की भी तो गलती थी ना, तुम लोगों ने किसी को कुछ भी नहीं बताया, तो घर वालों का गुस्सा होना तो जायज है ना।
खुद सोचो। हाँ लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है, कुछ नहीं होगा। अच्छा चुप अभी, आंसू पोछो, मत रो, मैं हूं ना। मुझे बिल्कुल नहीं पता था घर वाले ऐसे गंदे तरीके से रिएक्ट करेंगे। इसीलिए मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, जिसका डर था वही हुआ। आपने तो कहा था कि आपने घर वालों को सब बता दिया, आपने मेरे विश्वास को चलाया रणदीप, आपको मेरे साथ झूठ नहीं बोलना था। मेरा विश्वास करो सुरभि, मैंने वीर जी को सब कुछ बता दिया। आपने किसी से कुछ नहीं कहा, अगर आपने कहा होता तो आज मुझे ये सब सुनने को नहीं मिलता। घर घुसते मैंने सबका मन छोटा कर दिया, पाँव कटने पर भी मुझे इतना दुख नहीं हुआ होगा जितना अब हो रहा है। अब मैं सबको कैसे फेस करूंगी, इस घर में मुझे कौन स्वीकारेगा? आपने बहुत गलत किया है रणदीप, रो मत सुरभि। मेरा विश्वास करो, मैंने वीर जी को सब कुछ बता दिया था। लेकिन आपने तो कहा था कि आपने घर वालों को सब बता दिया है, क्या वीर जी ही आपके घर वाले हैं? क्यों झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं आप? मेरे लिए यहाँ एक-एक पल रहना मुश्किल हो रहा है अब। I'm sorry रणदीप, पर पता नहीं आपने क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। I'm really sorry सुरभि, लेकिन मैं अब सॉरी बोलने से क्या मिलेगा? इतने सारे अरमान संजो कर मैंने आपसे शादी की है, कितने अच्छे अच्छे ख्वाब देखे थे मैंने, पर आपने तो एक ही पल में सब खत्म कर दिया। एक लड़की ससुराल में पहला कदम रखने से पहले क्या क्या सोचती है ये आपको क्या पता? लेकिन मेरे साथ तो ये सब उल्टा ही हो गया ना। आई कांट टेक दिस रणदीप, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। संभालो अपने आप को सुरभि। अरे मेरी बात तो सुन लो तुम। मैं कुछ नहीं सुन सकती, नीचे सुने सारे शब्द मेरे कान में अभी तक गूंज रहे हैं, एक एक शब्द की चुभन हो रही है मुझे। इसीलिए मैं आपकी कोई हमदर्दी नहीं लेना चाहती थी। मैं बैसाखी वाली अपंग ही ठीक थी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है रणदीप, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वीर जी, रो मत। ये क्या वीर जी, अपने घर वालों को बताया नहीं? रणदीप, मैं पहले सुरभि का गुनहगार हूं, मुझे सुरभि से बात करने दो। सुरभि, मैं जानता था कि तुम इस बात को लेकर रणदीप को कोस रही होगी, तुम अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो,
लेकिन सच मानो इसमें रणदीप की कोई गलती नहीं है। इसने तो मुझे बहुत पहले सब कुछ सच बता दिया था और मैं खुद तुमसे मिला था शादी के पहले, तो मुझसे तो कोई बात छिपी नहीं थी। मैंने घर वालों को सब कुछ सच नहीं बताया था। इसलिए गलती मेरी है। तुम्हारा गुनहगार मैं हूं। इनफैक्ट रणदीप का भी गुनहगार मैं ही हूं। ये तो निश्चिंत था कि मैंने घर वालों को सब कुछ सच बता दिया होगा, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर किया। क्योंकि मैंने रणदीप को तुम्हारे बगैर तड़पते देखा है। उसके दिल में तुमसे शादी की जो बेचैनी थी उसको महसूस किया है। तो मैंने सोचा कि मैं हर हाल में तुम दोनों की शादी करवा कर रहूंगा, पर समय कम था और घर वाले भी रणदीप की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे। तो मैंने सोचा मैं अगर इस वक्त घर वालों को सब कुछ सच बता दूंगा तो यह बात तुम दोनों की शादी तक कभी नहीं पहुंचेगी। और यही कारण था कि मैंने घर वालों को सब कुछ सच नहीं बताया। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार तुम दोनों की शादी हो जाए उसके बाद मैं घर वालों को सब कुछ सच बता दूंगा। यही सच है। क्या हो गया तुम्हें? ये रूम का हाल क्या बना रखा है? कहां ना चली जाओ, तुम लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती हो। जब मेरी खुशी का ख्याल ही नहीं है तो मुझे पैदा ही क्यों किया? ये क्या ऊटपटांग बोले जा रही हो? क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ है? अरे क्या नहीं हुआ है वो पूछिए डैड। रणदीप को मारने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और वो वहां शादीशुदा होकर बैठा है। वो हवा